मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन देने पहुंचे रमेश विश्वकर्मा ने किया हंगामा, आत्महत्या करने की दी चेतावनी, न्यायालय का कर्मचारी ही भटक रहा न्याय की आस में। मंगलवार के दिन जनसुनवाई में आवेदन देने आए रमेश विश्वकर्मा द्वारा काफी हंगामा किया गया, यहां तक कि सभी के सामने अपनी आत्महत्या करने पर उतारू हो गया। मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उसका मकान सागर रोड पर मुक्तिधाम के पीछे है, जहां वह कई वर्षों से रह रहा है, लेकिन अचानक पवन अवस्थी और उसके साथियों द्वारा उसकी दीवार ढा दी गई और महिलाओं बच्चों समेत सभी को घर में घुसकर मारा गया, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज है। लेकिन पवन अवस्थी द्वारा राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही कई गुंडे घर पर आते हैं और उस सेवा परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत जनसुनवाई में कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई ना होने से उसे ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। हेलो बात तो बता दो, क्या मामला क्या साहब? हमारे दो दो फैसला न्यायालय के हमारे पक्ष में। कहाँ क्या मामला कह दिया साहब? दो दो फैसला हमारे 40 साल से। अरे बात तो बताओ पहले, बात क्या हुई, कहाँ की है, क्या है मामला? धाम के पीछे सागर रोड बिजावन्ना का पवन अवस्थी जी, उनको आपराधिक रिकॉर्ड हम पूरा धरे, कुछ नहीं दे रहे। पहले बात तो बताओ, काम क्या होना है, क्या बात है साहब? हमारी दीवार गिरा गई 2:30 बजे रात में, घर में पड़ के लगाइए ना हमारो कछु नहीं। पुलिस में नहीं गए? पुलिस में FIR है, सब को ही सुन रहा हूँ। कब की बात है? 10 कोतवाली के लिए है ना सब? हमारे 10 मतलब मूल समस्या अभी अपने को थाने के लिए है ना, थाने के लाने का कुछ सुना हमारी तो हम मर गए। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले, क्या मामला है? हमारा श्रीमान रमेश कुमार विश्वकर्मा है, सन ऑफ लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, मुक्ति धाम के पीछे रहते हैं हम। करीब 40 साल पहले हमने प्लाट लिया था, जो कि हमारा मकान बना हुआ है, उस पे बार बार स्टे लगाना और उस पे विवाद करना। हमारा मकान हम नहीं बना पा रहे हैं, पवन अवस्थी जी अभी 2023 में आए और उनने वो विवादित प्लाट खरीद के गुंडागर्दी से, उनका कहना है हम कोई न्यायालय आए नहीं मानते, हमारे पास दो दो हमारे न्यायालय के हमारे पक्ष में फैसले हैं, मगर वो नहीं मानने को तैयार हैं। वो कम से कम 20-20 लड़का लेके आते हैं, हम लोगों को धमकाते हैं, हम लोगों को रात दिन जीना हराम कर दिया है, 2:30 बजे आके रात में। आज कहाँ पे आए हुए हैं? आज हम कितनी दफे से आ रहे हैं? हम कम से कम 20 आवेदन दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी सब ठंडे बस्ते में डल जाती है। और जब जब हम कोतवाली जाते हैं, कुछ उनकी शिकायत करते तो आके हमारे यहाँ धमकाते हैं। वो कहाँ पे आए हैं? जनसुनवाई में आए हैं और कई बार हम सब जगह आवेदन दे चुके हैं। कलेक्टर बैठते हैं क्या? नहीं, कलेक्टर साहब वहाँ नहीं बैठे हैं, बाकी अन्य लोग बैठे हुए हैं, मगर इसी न्याय कलेक्टर साहब नहीं बैठे इस वजह से हो रही है साहब? हम कहा बताइए, सभी उसी का साथ दे रहे हैं, हमसे कहते हैं भूल जाओ तुम अपना प्लाट, वो तो उसी को लेना है। हमको उल्टा दबाव हर जगह से बनाया जाता है, SDM कोर्ट से हम कम से कम 4 महीने रखे रहे हमारा जो है वो, और 4 महीने बाद बड़ी मुश्किल में जो है हमारे पक्ष में फैसला किया उन्होंने। जब हमने कहा हमारे पास न्यायालय के दो दो फैसले हैं, साहब आप क्यों रोके हुए हो, हमको क्यों मजबूर किए हो गए हो, जब बड़ी मुश्किल में फैसला किया। आज क्या हो गया? आज श्रीमान हमारे यहाँ आज रात में फिर से कुछ लड़के आए थे, वो धमकी दे के गए हैं कि तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उल्टा सीधा केस में बता देंगे तो तुम नौकरी से भी जाओगे। हम न्यायालय में पदस्थ हैं, यहाँ न्यायालय में नौकरी करते हैं, उल्टे सीधे हमारे विभाग में आवेदन देते हैं और हमको कहते हैं हम तुमको नौकरी नहीं करने देंगे, जे है वो है। यहाँ पे आपने जनसुनवाई में क्या किस प्रकार? हमने श्रीमान निवेदन किया है कि हमको या तो न्याय दो और नहीं तो बोल दो तो मैं आत्महत्या करके
अपनी जीवन पूरे परिवार की लीला खत्म कर लूंगा, क्योंकि हमको न्याय मिलने की आसार बिल्कुल नहीं है। कौन परेशान करता है, कहाँ का पवन अवस्थी हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड किसी को नहीं दिखता श्रीमान। हम लोगों को दिखता है कि तुम लोगों की नौकरी खा जाएंगे हम। अब जब हम न्यायालय में रह के न्याय नहीं पा पा रहे। अखिल देश के हर शहर, हर गाँव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।